छतरपुर में 3 साल की एक बच्ची खेलते खेलते बोरवेल में गिर गई। करीब 4 घंटे तक चले रेस्क्यू के दौरान एक और जेसीबी मशीनों से बोरवेल के पास में गड्ढा खोदा गया, वहीं दूसरी ओर बोरवेल में रस्सी डालकर भी उसे निकालने की कोशिश की गई। आखिर बोरवेल में फंसी बच्ची ने रस्सी को पकड़ लिया और उसे धीरे धीरे ऊपर खींच कर चमत्कारी रूप से बचा लिया गया। बिजवार के ललगुवा गांव के लटोरिया परिवार के खेत में रवि विश्वकर्मा अपनी पत्नी रोहिणी व अन्य मजदूरों के साथ मटर बिनने का काम कर रहे थे। पास ही उनकी बेटी नैन्सी खेल रही थी। अचानक नैन्सी रेत के ढेर पर खेलते खेलते बोरवेल में गिर गई। उसे गिरता देख पास काम कर रहे परिजन और मजदूर दौड़े। तब तक 3 साल की मासूम नैन्सी बोरवेल के गड्ढे में करीब 35 फीट की गहराई पर जाकर अटक गई। इस बात की जानकारी प्रशासन को लगी तो तत्काल प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। बोरवेल के पास 5 जेसीबी मशीनें से खुदाई शुरू की गई। बोरवेल में फंसी बच्ची को ऑक्सीजन दी गई और बोरवेल में कैमरा डाला गया ताकि बच्ची के मूवमेंट का पता चल सके। बोरवेल में बच्ची 35 फीट गहराई पर फंसी हुई थी। बच्ची के हाथ के मूवमेंट को देखते हुए उस तक रस्सी पहुंचाई है। इत्तेफाक बच्ची के हाथ में रस्सी आ गई, उसने कसकर रस्सी को पकड़ लिया। ये देखकर बचाव टीम को उम्मीद बंधी और उनने बच्ची को धीरे धीरे ऊपर खींचना शुरू कर दिया। करीब 4 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्ची को बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाला गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बोरवेल में गिरी नैन्सी की माँ से फोन पर बात की। बच्ची को सकुशल निकालने के बाद सीएम ने खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट किया है कि ये हम सब के लिए अत्यंत खुशी की बात है कि छतरपुर जिले के ललगुआ गांव में बोरवेल में गिरी बेटी को सकुशल निकाल लिया गया है। इसमें सहयोग करने वाले जिला प्रशासन के सभी साथियों और नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जी, एक बच्ची बोरवेल में गिर गई थी। बच्ची को अब प्रशासनिक प्रयासों से सकुशल बाहर निकाल लिया गया है और डॉक्टरों की टीम उसको चेकअप करके अभी जिला अस्पताल लेके पहुँची रही है और बच्ची अभी ठीक लग रही है। बाकी उसका जिला अस्पताल ले जाके उसका उपचार किया जाएगा और उसको कुछ दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।